नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज चैनल न्यूज हेडक्वार्टर छत्तीसगढ़ पर। इस वक्त कोरोना से ज़्यादा अगर कुछ फैल रहा है तो वो है छात्र छात्राओं के परीक्षा की गलत खबरें। बहरहाल सरकार इस पर विचार विमर्श कर रही है कि एग्ज़ाम ऑफलाइन होना चाहिए या ऑनलाइन होना चाहिए। ज़्यादातर संभावनाएं जो बताई जा रही हैं वो आ रही हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेकर। कल दिनांक 21 अप्रैल 2020 को दो आदेश जारी किए गए, जिसकी वजह से छात्र छात्राओं में काफ़ी ज़्यादा भ्रम का माहौल देखा गया। पहले तो आदेश में ये बताया गया कि फाइनल ईयर की परीक्षाएं ऑफलाइन मोड पर कराई जाएंगी, जबकि प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी। मगर देखते देखते शाम को एक और आदेश ने जोर पकड़ ली, जिस पर साफ साफ ये लिखा गया था कि सारी परीक्षाएं ऑनलाइन ही होंगी। बहरहाल शाम तक एक और आदेश ने जोर पकड़ लिया कि सारी परीक्षाएं ऑनलाइन मोड के द्वारा ही आयोजित होंगी। अब छात्रों के मन में काफी ज्यादा विचार विमर्श का माहौल और भ्रम की स्थिति देखी जा रही है। बहरहाल जो बातें आप लोगों को जाननी बेहद ज्यादा जरूरी है वो बातें कुछ इस प्रकार हैं। ऑफलाइन परीक्षा का आयोजन कराना सरकार के लिए काफी मुश्किल भरा फैसला साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा खतरा कोरोना संक्रमण का तेजी से फैलना माना जा रहा है। काफी मुश्किलों के बाद अगर सरकार फैसला ले भी लेती है ऑफलाइन मोड पर एग्जाम कराने का, तो उन्हें कुछ मुश्किलों से और गुजरना होगा। जैसे कि जो छात्र पिछले वर्ष पीजी या हॉस्टल पे रह रहे थे वो अपने गांव और शहर जाकर बस चुके हैं। अब अगर परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं तो उन छात्र छात्राओं को काफ़ी ज़्यादा असुविधा का सामना करना पड़ेगा, ना केवल अपने व्यक्तिगत रूप से बल्कि राज्य को भी इससे एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। कई एरिया पे कंटेनमेंट जोन बने हैं जो कि रेड ग्रीन पर आधारित हैं। कुछ छात्र छात्राएं अभी भी रेड जोन पर निवास कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर उन्हें एग्जाम देना है तो क्या उन्हें इन गाइडलाइंस का उल्लंघन करना पड़ सकता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऑफलाइन परीक्षा कैसे आयोजित हो पाएगी, ना केवल उन छात्र छात्राओं को बल्कि इससे दूसरे छात्र छात्राओं को भी काफी खतरा पैदा हो सकता है। शिक्षा विभाग को इस बारे में गंभीर सोच रखते हुए कोई भी निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी में कोई भी मकान मालिक इन छात्र छात्राओं को अपना मकान किराए पर देने को तैयार नहीं होगा, और ना ही इन छात्र छात्राओं के पास लॉकडाउन के बाद अब इतने पैसे बचे होंगे कि ये एक मकान फिर से किराए पर ले पाए। आशंका यही आई जा रही है कि परीक्षाएं ऑनलाइन मोड पर ही करना संभव है प्रशासन के लिए भी और छात्र छात्राओं के लिए भी। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप अपने ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी करना अब शुरू कर सकते हैं। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन ऑन कर लें। मिलते हैं अब एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।